हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। लास्ट वीडियो तक आपने पढ़ लिया था पैरासिटॉइड तक। अब अपने स्टार्ट करते हैं पैरासिटॉइड परजीवी क्या होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पैरासिटॉइड के ऊपर कि जैसा आपको पीडीएफ में मिलेगा, जो पीडीएफ की लैंग्वेज अपनी लिखी हुई है उसके अंदर आपको सामने दिख रहा है, इसी की आपको पीडीएफ मिलेगी कि परजीवियों का ही एक रूप परजीव पैरासिटॉइड होते हैं। मतलब परजीवी जैसे ही होते हैं पैरासिटॉइड। बस फर्क इतना होता है कि जो पैरासिटॉइड हैं वो अपनी इमेच्योर स्टेजेस अपरिपक्व अवस्था में तो रहते हैं परजीवी की तरह, परंतु जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब फ्री सर्वाइव करते हैं, किसी भी होस्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं करते, वो पैरासिटॉइड होते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पैरासिटॉइड होते पैरासाइट जैसे ही हैं, बट पैरासिटॉइड जो इमेच्योर फेजेस होते हैं उसके अंदर पैरासाइट की तरह जीते हैं, बाकी वो अपना फ्री लिविंग सर्वाइव करेंगे। तो वही पीडीएफ में लिखा हुआ है कि परजीवियों का ही एक रूप परजीवियाब है, जो आकार में सामान्यतः परपोषी के आकार के लगभग बराबर होते हैं। मतलब जो होस्ट है उसके और इसका साइज बराबर होगा। ये अपनी अविकसित अवस्थाओं में ही परजीवी होते हैं तथा तो एक पैरासिटॉइड एक परपोषी के ऊपर अथवा अंदर विकसित होता है। जैसे ही पैरासिटॉइड पूर्ण विकसित होते हैं परपोषी की या होस्ट की डेथ हो जाती है, और जो पैरासिटॉइड होता है उसका जो अडल्ट होता है वो हमेशा ही फ्री लिविंग सर्वाइव करेगा। पैरासिटॉइड जो है वो हाइमरम पटेरा, डाइपटेरा, स्टेप्सी पटेरा, कॉलियो पटेरा और लेपिडो पटेरा ऑर्डर के बिलोंग करेंगे। ये तो हो गया पैरासिटॉइड के बारे में एक तरह की डेफिनेशन होगी। इसके बाद अपने चलते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड में कि कितने टाइप्स हैं पैरासिटॉइड के। तो देखो भी टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड परजीवियों के प्रकार तो इसके अंदर लिखे गए हैं प्राइमरी पैरासिटॉइड हैं, हाइपर पैरासिटॉइड हैं, एक्टो हैं, एंडो हैं, मल्टीपल पैरासिटॉइड, सुपर पैरासिटॉइड, क्लेप्टो और अडल्फो। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी पैरासिटॉइड की। तो देखिए जो प्राइमरी पैरासिटॉइड होते हैं वो इस प्रकार के होस्ट पर, मतलब उनका जो जिस पर वो रहेंगे जिसके ऊपर वो परजीवी रहते हैं, वो जो पैरासिटॉइड हैं इस प्रकार के होस्ट पर रहते हैं जो होस्ट आगे किसी का भी पैरासिटॉइड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कि जैसे ये एक पैरासिटॉइड है और ये उसका होस्ट है, ये क्या है पैरासिटॉइड, ये तो पैरासिटॉइड हो गया, ये उसका होस्ट हो गया। पैरासिटॉइड अब इसके ऊपर एज ए पैरासाइट रह रहा है, लेकिन होस्ट आगे किसी का भी पैरासाइट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है मतलब कि पैरासिटॉइड ऐसे होस्ट के ऊपर सर्वाइव करेंगे जो कि होस्ट आगे किसी का भी पैरासाइट ना हो, तो ये हो जाएगा जी प्राइमरी पैरासिटॉइड। क्लियर हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं हाइपर पैरासिटॉइड के। इसके अंदर देखिए हाइपर पैरासिटॉइड, अब हाइपर पैरासिटॉइड के अंदर हम लिखते हैं कि इस प्रकार के जो पैरासिटॉइड होते हैं वो दूसरे पैरासिटॉइड पर, मतलब इसके अंदर आगे भी आप पढ़ोगे एक टाइप आएगा कि पैरासिटॉइड पैरासिटॉइड पर सर्वाइव करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन अलग होगी। इसके अंदर है कि पैरासिटॉइड दूसरे पैरासिटॉइड पर क्या हो रहा है सर्वाइव कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है कि सेम स्पीसीज के होंगे या अलग अलग स्पीसीज के होंगे। तो हम यहाँ पे सारे चलेंगे, सेम स्पीसीज के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, अदर स्पीसीज के पैरासिटॉइड पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो इस प्रकार के पैरासिटॉइड दूसरे पैरासिटॉइड पर विकसित होते हैं। क्लियर। तो इसको कहते हैं हाइपर पैरासिटॉइड्स। ठीक है जी। मान लो कि ये भी पैरासिटॉइड है और ये भी पैरासिटॉइड है। अब ये पैरासिटॉइड इस पैरासिटॉइड के ऊपर ही सर्वाइव करेगा। तो पैरासिटॉइड पर जब पैरासिटॉइड लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टो पैरासिटॉइड की। अब एक्टो पैरासिटॉइड के अंदर आते कि मान लो कि ये कोई भी होस्ट है, अगर पैरासिटॉइड इसकी बॉडी के बाहर लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के पेडिकुलस की बात करें कि जो बालों में जुएं पड़ जाती हैं ना, तो वो क्या है एक तरह के एक्टो पैरासाइट होते हैं, बाहर रहते हैं बॉडी से। अगर हम बात करें कि एंटमीबा हो गया, कोई निमेटोड हो गया, तो वो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो वो होते हैं एंडो पैरासाइट। तो इसी तरह के हम बात करेंगे पैरासिटॉइड की कि जो अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो वो एक्टो पैरासिटॉइड होंगे, अगर होस्ट की बॉडी के अंतः पैरासिटॉइड जो है अंतः परजीवी, अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं
एंडो पैरासिटॉइड बोलते हैं। तो ये इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इजी है, एक्टो पैरासिटॉइड और एंडो पैरासिटॉइड। क्लियर हो गया होगा, बाकी आप इसके अंदर थ्योरी में पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं मल्टीपल पैरासिटॉइड की बहुपरजीवियां क्या है। इसके ऊपर देखो एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आप इसके ऊपर फोकस कर लेना पैरास्टॉइड के टाइप के ऊपर। अब बहुपरजीवियां मल्टीपल पैरासिटॉइड क्या है। अब इसके अंदर जो आपको थ्योरी में मिल रहा है कि जब एक परपोषी पर अथवा उसके अंदर एक से अधिक पैरासिटॉइड जातियां या स्पीसीज एक साथ विकसित होती हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल पैरासिटॉइड। बात करते हैं जी, अब देखो कि ये अपने होस्ट बनाया था, ये वाला होस्ट बनाया था। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से बना देता हूं कि ये कोई होस्ट है, ओवल शेप के अंदर वाला होस्ट हो गया, पैरासिटॉइड राउंड शेप में है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर बनाऊं कि ये भी पैरासिटॉइड आके लग गया, ये भी पैरासिटॉइड आके लग गया, कि मतलब एक ही होस्ट के ऊपर जब बहुत सारे पैरासिटॉइड लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटॉइड, सॉरी मल्टीपल पैरासिटॉइड, बहुपरजीवी आप बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, ये आपको इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ लेना है कि जब होस्ट के बाहर या बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासिटॉइड छोड़ा था, यहाँ पैरास्टॉइड पैरास्टॉइड, मतलब अगर होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर बहुत सारे पैरासिटॉइड अटैक कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल पैरासिटॉइड्स। उसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सुपर पैरास्टॉइड के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेप्टो पैरासिटॉइड और अडल्फो पैरास्टॉइड की। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्लेप्टो पैरासिटॉइड क्या है। अब देखिए, जिन होस्ट के ऊपर कोई ऐसे होस्ट हैं, मतलब पैरासिटॉइड के जो होस्ट हैं, मतलब उस होस्ट के ऊपर अगर ऑलरेडी पहले ही किन्हीं मतलब अदर स्पीसीज ने, जो पैरासिटॉइड नहीं है, अलग अलग तरह के पैरासाइट हैं जो अटैक करते रहते हैं, तो दूसरे पैरासाइट ने ही अटैक कर दिया है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर पैरासिटॉइड अटैक करता है तो वो बोलते हैं क्लेप्टो पैरासिटॉइड, क्लेप्टो परजीवी। फिर से आपको समझा देते हैं बना के, देखिए इसमें कि ये कोई होस्ट है, इसके बाहर ऑलरेडी पैरासाइट ने अटैक कर रखा है, ये बहुत सारे पैरासाइट हो गए, पैरासाइट ने अटैक कर रखा है, इसके बावजूद भी ये पैरासिटॉइड आता है, ये वाला पैरासिटॉइड इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऑलरेडी ये पैरासाइट लगे हुए हैं, अदर मतलब स्पीसीज बहुत सारे पैरासाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैरासाइट लगने के बाद भी पैरासिटॉइड उसके ऊपर अटैक कर देता है उस होस्ट के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कह जाएगा क्लेप्टो पैरा सिटोइड। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेल्फो पैरास्टोइड की। अब देखिए, अडेल्फो पैरासिटोइड और इससे पहले आपने पढ़ा था हाइपर पैरासिटोइड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंडीशंस लागू होती हैं। तो अडेल्फो पैरासिटोइड में क्या है, अडेल्फो पैरास्टोइड के अंदर वो लिखता है कि एक पैरासिटोइड जब अपने ही प्रकार के मतलब अपनी ही स्पीसीज के दूसरे पैरासिटोइड पर एज ए क्या रह रहा है, पैरासाइट रहता है, या अपनी ही स्पीसीज के दूसरे पैरासिटोइड को होस्ट बना लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अडेल्फो पैरासिटोइड। क्लियर है, वापिस मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए, एक आपने बनाया था हाइपर पैरास्टोइड में कि पैरासिटोइड के ऊपर पैरास्टोइड लगता है ना, यहाँ पे कोई कंडीशन दी जाती है कि सेम स्पीसीज है या अदर स्पीसीज है, लेकिन जो अडेल्फो पैरास्टोइड आप पढ़ रहे हो, अडेल्फो के अंदर लिखता है कि मान लो कि सेम स्पीसीज है, ये पैरास्टॉइड है और ये भी सेम स्पीसीज का पैरास्टॉइड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम स्पीसीज। अब एक पैरासिटॉइड अपनी ही जाति के दूसरे पैरास्टॉइड के ऊपर एज ए पैरासाइट रहता है तो हम उसको बोलते हैं अडेल्फो पैरासिटॉइड। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेरे से लाइव क्लास के अंदर कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं जी, एक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, एनपीवी है, जीवी है और सीपीवी है। फुल फॉर्म याद रखिए, एनपीवी की न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, जीवी की ग्रेन्युलोसिस वायरस है, सीपीवी की साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है। ये भी एक तरह के वायरस आते हैं जिनकी मार्केट के अंदर एज ए पेस्टिसाइड अवेलेबल होते हैं, स्प्रे आती है लिक्विड के अंदर, तो एनपीवी, जीवी, सीपीवी। तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है,
जो कि इंसेक्ट कंट्रोल के बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हेल्प करते हैं, एनपीवी, जीपी और सीपीवी। तो इसके अंदर आप इसकी फुल फॉर्म वगैरह और थ्योरी पढ़ के जाइए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिर भी किसी को डाउट हो आप मेरे से कॉल मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है निमेटोड से रिलेटेड, कि निमेटोड जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इंसेक्ट की कैसे हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आजकल DD136 नियोप्लेक्टेना, डीडी आपको एक निमेटोड का नाम याद रखना है, DD136 नियोप्लेक्टेना फेमस है, जिसको इंसेक्ट के खिलाफ, इंसेक्ट के विरुद्ध, इंसेक्ट के एंटी यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नीचे आपको ये थ्योरी में मिलेगा कि कौन कौन से निमेटोड हैं जिसको किसी खास स्पीसीज के लिए, जैसे व्हाइट ग्रब के लिए इसके एंटी यूज किया जाता है। बाकी आपको थ्योरी में पीडीएफ के अंदर इसकी डिटेल मिल जाएगी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से आपको फायदे हो जाते हैं, इनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे निमेटोड से रिलेटेड, अगर आपको ऐसा नहीं है कि निमेटोड आपको पकड़ के सीधा ही निमेटोड छोड़ने हैं, तो निमेटोड के भी एक तरह के, जैसे सिरप हो गया या पैरासाइट के अंदर, इसके अंदर हम स्प्रे की बात करते हैं तो वो भी अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, जो निमेटोड का सस्पेंशन बनाकर इसका यूज किया जाता है। तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के अंदर पढ़ने को कि कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर निमेटोड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसके अंदर मेन आपको मैं चीजें बता देता हूं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैविक नियंत्रण की समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। ध्यान से आप सुन लेना कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके अंदर जो आप यूज करोगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आप कोई भी इंसेक्ट यूज कर रहे हो या बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, वो एक ही प्रकार के इंसेक्ट को मारेगा। मतलब उसकी जो स्पेक्ट्रम होगी वो बड़ी ही नैरो होगी, कि थोड़े से इंसेक्ट, मतलब जो स्पीसीज के आप उसको मारने के लिए आप यूज कर रहे हो वो उसी स्पीसीज को मारेगा, अदर स्पीसीज को वो नहीं मारेगा। ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर अपने सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आप जिसका यूज कर रहे हो उसका जो इफेक्ट होता है वो बड़ा ही स्लोली होता है। मतलब आपको बड़े लंबे टाइम तक वेट करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि वो कब अपना इफेक्ट शो करेंगे, और हो सकता है तब तक जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो आपकी जो क्रॉप है उसको नुकसान कर दें। तो ये इसकी प्रॉब्लम है एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए जो यूज करेगा, जैसे आजकल अपने जो किसान भाई हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आगे जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे अगर लोग खेती कर रहे हैं तो उनको इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल का पता है, लेकिन जो बेचारे अनपढ़ किसान हैं उनको इनके बारे में नहीं पता होता। क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस का आपको यूज करना है, उसको यूज करने के लिए आपका या जो भी फार्मर है उसका पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको फिर ही पता चलेगा कि किसका यूज किसके खिलाफ करना है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जितने भी फैक्टर आपको यूज करने होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि उसके ऊपर खर्चा बहुत आ जाता है, पैसे की जो लागत है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, जो कि छोटे किसान उसको यूज नहीं कर पाते, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। अब कई बार क्या होता है कि आपने कोई ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं आपने उसको खेतों में लाकर छोड़ा, लेकिन अब उनके भी ऊपर पैरासाइट या उनके जो प्रीडेटर होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जिससे जो आपने लागत लगाई है, पैसा आपने लगाया है, आप लेके आए हो पैसा लगा के वो इंसेक्ट को खेतों में छोड़ रहे हो, लेकिन फिर भी उनको नेचुरल जो उसके प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट है, वो उसको खा जाते हैं। इसलिए ये जरूरी होना चाहिए कि जो भी आप पैरासाइट, मतलब एज ए आप जो हार्मफुल पेस्ट के लिए उसका पैरासाइट यूज कर रहे हो या प्रीडेटर यूज कर रहे हो, उनके ऊपर उसके कोई भी प्रीडेटर या पैरासाइट नहीं होने चाहिए, जिससे कि उनको अगर कोई नेचुरल इनेमीज उनका ना खाए। और बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए कई बार देखना पड़ता है कि जो एक्टिव वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको यूज करने के लिए अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट नहीं होगा आपको वेट करना पड़ेगा कि आप बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो भी इंसेक्ट हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, अगर आप उनका यूज कर रहे हो तो आपको अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई ये प्रॉब्लम्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की, इसके अंदर मैंने इसको नहीं लिखा है वीडियो के अंदर, मैंने आपको बता दिया है कि ये नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण के लाभ हैं, स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल।
स्कॉप की फायदे क्या हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर? उसके अंदर पहली बात आती है कि ये नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब कोई केमिकल नहीं होता और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये एक फायदा है। सेकेंड है, बाकी आपने बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो अपने मित्र कीड़े होते हैं वही आप छोड़ते हो खेतों में लाके, या जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, मान लो कि हार्मफुल पेस्ट के जो प्रीडेटर पैरासाइट होते हैं, अगर आपने एक बार लाकर छोड़ दिए तो वो जो प्रोसेस है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं और हार्मफुल कीड़ों को खत्म करते रहते हैं। एक ही बार आपको पैसा लगाकर उसको छोड़ना है, बाकी वो अपने नंबर खुद बढ़ाते रहते हैं, पॉपुलेशन अपने उसकी पॉपुलेशन के बाद बढ़ती रहती है, तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि जो आप केमिकल कंट्रोल करते हो तो उसके अंदर हार्मफुल पेस्ट भी मर जाते हैं और बेनिफिशियल भी मर जाते हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हो तो इसके अंदर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनको कोई भी डैमेज या उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको यूज कर सकते हो आप, उसके लिए लागत भी बहुत ही कम आती है, तो वो भी एक फायदा है। सेकंड है, इसका कोई भी आपके जो भी खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारियों के ऊपर इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी इसका फायदा है। नेक्स्ट है कि केमिकल कंट्रोल के साथ साथ भी आप बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई केमिकल कंट्रोल से बच जाता है कोई पेस्ट तो उनको ये वाले जो इंसेक्ट हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके अंदर जो भी आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया वायरस नेमेटोड, ये उसको खत्म कर देंगे। तो ये स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल की, फिफ्थ कंट्रोल है जी केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण क्या है। पीडीएफ में जैसे लिखा हुआ है कि केमिकल कंट्रोल के अकॉर्डिंग किसका यूज किया जाएगा, केमिकल का यूज किया जाएगा, रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाएगा जो अपनी केमिकल रिएक्शन के कारण इंसेक्ट को मारते हैं या रासायनिक क्रिया करते हैं जिससे कीड़े मर जाएंगे। और डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो सामूहिक रूप से जनरली जो ऐसे रसायन हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं या पेस्ट को मारते हैं वो सारे के सारे क्या कहला जाते हैं, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड में देखिए कि 7 तरह के हमने पेस्टिसाइड लिखे हैं, इंसेक्टिसाइड हो गए, नेमेटिसाइड हो गए, एक्रीसाइड, रोडेंटिसाइड, मोलस्कीसाइड, फंगीसाइड और वीडीसाइड। सामने लिखा हुआ है कि इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, कीटों को मारते हैं, नेमेटिसाइड निमेटोड को मारते हैं, एक्रीसाइड जो माइट्स हैं स्पाइडर वगैरह हैं, अष्टपदी जो होते हैं जिनकी टांगे बहुत ज्यादा होती हैं उनको मारने का काम करते हैं, रोडेंटिसाइड चूहों के विरुद्ध यूज किया जाता है, मोलस्कीसाइड जो है वो मोलस्का के जो ग्रुप के एनिमल होते हैं उनको मारने के लिए, फंगीसाइड फंगस को, वीडीसाइड कीड को। अपने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो इंसेक्टिसाइड अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने इंसेक्टिसाइड पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी तो फंगीसाइड हो गया ये आपके एग्रोनॉमी वगैरह के अंदर आपको पढ़े पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एंटामोलॉजी के अंदर इंसेक्ट को मारने से रिलेटेड जो है वो पढ़ने हैं। तो इंसेक्टिसाइड पढ़ सकते हैं अपने, रोडेंटिसाइड पढ़ेंगे कि जो रोडेंटिसाइड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि चूहे भी एक तरह के पेस्ट का लिए पेस्ट की तरह काम करते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंसेक्टिसाइड कीटनाशी की तरफ। तो कीटनाशी की सबसे पहले अपने डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऐसे जो केमिकल हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं या पेस्ट को मारते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। अब क्या है कि इंसेक्टिसाइड हैं वो इंसेक्ट को मारेंगे तो सही, लेकिन उसके जो तरीके हैं मारने के तो उसके लिए आपको उसको कैसे यूज करना है, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर वो किस तरह से अटैक करेंगे, किस तरह से एंट्री लेंगे इंसेक्ट की बॉडी में, हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है स्टमक पॉइजन, सेकेंड है कंटेक्ट पॉइजन और थर्ड है फ्यूमिगेंट। अमाशय विष क्या होते हैं, स्पर्श विष क्या होते हैं और धूम्र विष क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं जी स्टमक पॉइजन की। देखो, अमाशय विष तो वो होते हैं कि ऐसे इंसेक्टिसाइड जो आप किसी भी क्रॉप के ऊपर स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद उसकी जो लीफ है वो उसको या तो एब्जॉर्ब करेंगी है ना, तो या उसके एक्स्ट्रैक्ट जो लीफ के ऊपर पड़े रहेंगे। अगर कोई भी पेस्ट लीफ को खाएगा, उसके बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट हैं, उसको खाएगा या सक करेगा उसके सेल सैप को, तो उसके द्वारा क्या होगा, ये उसके स्टमक तक पहुंच जाएंगे और स्टमक तक पहुंचने के बाद ये कैसी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि केमिकल है, केमिकल रिएक्शन करेंगे जिससे इंसेक्ट मर जाएगा। तो अमाशय विष होता है कि मुंह के द्वारा मोस्टली ज्यादा खाए जाते हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड मुंह के द्वारा इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे, इसलिए इसको हम स्टमक पॉइजन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट पॉइजन। मान लो कि आपने स्प्रे की, किसी भी कीट की बॉडी के ऊपर स्प्रे पड़ती है तो
उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो कंटेक्ट पॉइजन होता है कि स्पर्श में आते ही वो मर गया। फ्यूमिगेंट की बात आती है, धूम्र विष की तीसरा टाइप है। फ्यूमिगेंट के अंदर हम बात करते हैं कि इंसेक्ट स्पाइरेकल्स होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर श्वसन छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी पेस्टिसाइड यूज किया है जो कि मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ ही इंसेक्ट की बॉडी के अंदर स्पाइरेकल्स के थ्रू चला जाता है, उसको हम धूमर विष कहते हैं कि श्वसन छिद्रों के द्वारा एंट्री करते हैं बॉडी के अंदर और इंसेक्ट को मारते हैं, वो होते हैं फ्यूमिगेंट। जैसे फास्जीन गैस का आपने नाम सुना होगा, तो ये फ्यूमिगेंट होगी। बाकी स्टमक और कॉन्टैक्ट, तो तीन तरह के अपने को इंसेक्टिसाइड पढ़ने हैं, स्टमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन और फ्यूमिगेंट। तीनों के बारे में अगर आपको एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इसकी अपने डिटेल कैसे पढ़नी है। तो देखिए, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जिसकी हेल्प से आप को इजी हो जाएगा कि कैसे याद रखना है। कि ओरिजिन के बेस के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको हमने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। उत्पत्ति के आधार पर कीटनाशी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में लिखा गया है कि ओरिजिन के बेस के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको हमने कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है अकार्बनिक कीटनाशी, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, सेकेंड है कार्बनिक कीटनाशी, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, और थर्ड है संश्लेषित सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड, जो दोनों का मिक्सचर हो सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। उसके बाद उनके नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हैं जो जिनके मान लो कि मार्केट में ऐसा नहीं है आर्सेनिक ग्रुप के नाम से, ये तो ग्रुप है, इनके आगे पेस्टिसाइड जो है या इंसेक्टिसाइड जो इनके ग्रुप के अंदर आते हैं वो मार्केट में अलग अलग नामों से अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्सेनिक ग्रुप के मार्केट में अवेलेबल है फ्लोरिन के, सल्फर के, फॉस्फोर्स के, एंटीमनी है ना, लेड हो गया, पारे के और थैलियम के और बोरोन के। इनके बारे में अपने को एक करके डिटेल पढ़नी है। ऑर्गेनिक के अंदर बात करें तो हम ऑर्गेनिक होते हैं कि देखो जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर तो प्योर केमिकल आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर हम किसी भी एनिमल से, किसी भी प्लांट से ऐसे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है और उनका यूज करेंगे इंसेक्ट को मारने के लिए। तो इसके अंदर देखो निकोटीन है, जैसे तंबाकू से प्राप्त होता है, तो निकोटीन हो गया, पायरेथ्रम हो गया, रोटिनोन, राइनिया, हेलीबोर, सैबेडीला, क्वेशिया, अरिसिनिन, स्कैबरीन, एजाडिरेक्टिन, एनोनेम और एकोरिन लास्ट में। तो ये अपने को इनकी डिटेल पढ़नी है, एक एक की देखो पूरी डिटेल पढ़नी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ कि उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यहाँ पे हमारे नाम नाम मैंने आपको बता दी है कि ये इनके अवेलेबल है, आगे स्प्रे वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है, डस्ट में भी अवेलेबल है और लिक्विड में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक की, संश्लेषित कीटनाशी की। तो इसके जो ग्रुप है, डाइनाइट्रो फिनॉल्स हैं, ऑर्गेनिक थायोसाइनेट्स हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ऑर्गेनिक फास्फेट और कार्बामेट्स हैं। इन ग्रुप के भी आगे अलग अलग, जैसे हमें इन्हीं में सिंथेटिक में ही पढ़ेंगे डीडीटी वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल थी ना, तो उसके बारे में भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो वो है डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्गेनिक थायोसाइनेट्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक फास्फेट और कार्बामेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने ऑरिजन के बेस के ऊपर इंसेक्टिसाइड की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको इजी वे में करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कॉल, मैसेज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।